नमस्ते गाइस, राजेश यहां पर नमस्ते रहे। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूं एक डिटेल्ड कंपैरिजन गैलेक्सी A50 और पोको F1 के बीच में। तो वैसे तो इन दोनों फोन्स के बीच में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है और वो है इनकी प्राइसिंग। दोनों ही फोन्स आपको 20,000 के अंदर मिल जाएंगी जो बेस वेरियंट है, लेकिन ये दोनों ही फोन्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा सही है, पोको F1 कि गैलेक्सी A50। तो मैं इन दोनों फोन्स को 5 एस्पेक्ट्स में कंपेयर करूंगा: डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ, कैमरा और सॉफ्टवेयर। इन 5 एस्पेक्ट्स में मैं इन पांचों फोन को रैंक करूंगा और बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन की, और ये जो है एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो गैलेक्सी A50 है वो एक ज़्यादा रिफाइंड और ब्यूटीफुल डिज़ाइन रखता है पोको F1 के कंपैरिजन में। पोको F1 के डिज़ाइन में ऐसे तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये उतना प्रीमियम नहीं फील करता जितना गैलेक्सी A50 करता है। पोको F1 में आपको मिल रहा है एक यूनिबॉडी पॉलीकार्बोनेट फिनिश जो इसे स्टर्डी बनाता है। ये फ़ोन ड्रॉप्स और डिंग्स को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। वहीं पर जो गैलेक्सी A50 है इसमें आपको मिल रहा है एक प्रीमियम ओवरऑल लुक और डिज़ाइन। इस फोन में पीछे आपको प्लास्टिक मिल रहा है, लेकिन जो डिज़ाइन है ये पीछे रेनबो इफेक्ट वाला, ये बहुत ही अच्छा लगता है। डिज़ाइन के मामले में गैलेक्सी A50 एक ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है पोको F1 के कंपैरिजन में। पोको F1 बहुत ही क्रूड फील करता है, और यहाँ पे क्लियर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस फोन को, जो मैं होप करता हूँ कि शाओमी पोको F2 के साथ ज़रूर करेगा। डिज़ाइन के मामले में दोनों फोन्स में एक और बहुत बड़ी डिफरेंस है, वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर। तो पोको F1 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है पीछे, वहीं पे जो गैलेक्सी A50 है इसमें मिल रहा है आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब बात यहाँ पे ये है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखाने के लिए एक बहुत ही कूल टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये बहुत स्लो है। पोको F1 की फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छी है इस मामले में स्पीड और एक्यूरेसी वाइज, जबकि जो गैलेक्सी A50 का फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये बहुत ही स्लो है। दोनों फोन्स में आपको वैसे फेस अनलॉक मिल रहा है, तो आप जनरली फेस अनलॉक पे ही रिलाई करिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन तो यह है गैलेक्सी A50 ओनर्स के लिए कि इस फोन में आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को सेटअप जरूर कर लें, लेकिन यूज आप फेस अनलॉक करिए, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही स्लो है और एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग अनलॉक एक्सपीरियंस देगी। तो ये तो हो गई डिजाइन की बात, अब बढ़ते हैं डिस्प्ले में। तो दोनों ही फोन्स में आपको लगभग सेम ही साइज की डिस्प्ले मिल रहे हैं, पर जो डिफरेंस है वो है इनकी क्वालिटी में। पोको F1 में आपको मिल रहा है एक LCD डिस्प्ले, जबकि गैलेक्सी A50 में आपको मिल रहा है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोनों ही फुल HD+ रेजोल्यूशन के पैनल्स हैं, लेकिन सिंस गैलेक्सी A50 में आपको मिल रहा है एक एमोलेड पैनल, तो इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है ज़्यादा अच्छी है पोको F1 के मुकाबले। इसकी ब्राइटनेस शायद उतनी हाई नहीं है जितनी पोको F1 की है, लेकिन जो व्यूइंग एंगल्स हैं, कलर, कॉन्ट्रास्ट और बाकी हर एक मामले में गैलेक्सी A50 का सुपर एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है। ये ओवरऑल एक ज़्यादा वाइब्रेंट डिस्प्ले है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा पोको F1 के कंपैरिजन में। दोनों फोन्स की नॉच में भी डिफरेंस है। गैलेक्सी A50 में आपको मिल रहा है एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच, जबकि पोको F1 की जो नॉच है वो बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली। यहाँ पे अगर हम ये मैटर हटा भी दें कि A50 में आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, तो भी पोको F1 में बहुत सारे डिस्प्ले रिलेटेड इश्यूज़ हैं। बहुत लोगों ने कंप्लेन की है कि इसकी जो टच स्क्रीन परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, उन्होंने इनपुट लैग नोटिस किया है। बहुत लोगों ने कहा है कि जो इस फ़ोन की एजेस पे टच डिटेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। पोको ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स रोल आउट किए हैं इसको ठीक करने के लिए, लेकिन अभी भी ये अप टू द मार्क नहीं है। तो डिस्प्ले के मामले में भी मेरे हिसाब से गैलेक्सी A50 जो है वो ज़्यादा अच्छा है। पोको F1 में आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन ज़रूर मिल रही है, लेकिन अगर ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी ही A50 की ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पोको F1 खरीदने का सोचना चाहिए जस्ट बिकॉज इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है। अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की ओर। तो पोको F1 में आपको मिल रहा है एक स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट, क्वालकॉम का फ्लैगशिप 2018 चिपसेट। वहीं पे गैलेक्सी A50 में आपको मिल रहा है सैमसंग का एक्जिनॉस 9610 ऑक्टाकोर चिप। और इस मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, पोको F1 एक अलग लीग में है। गैलेक्सी A50 की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है किसी भी तरह से, डे टू डे यूज़ के लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। आपको कोई लैग और स्टटर
नहीं फील होगी, लेकिन पोको F1 एक अलग लेवल पे है। ये फ़ोन आउट एंड आउट प्योर गेमर्स और हार्डकोर यूजर्स के लिए बनाया गया है और इसकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। पोको F1 में आप आराम से पबजी को HDR ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं, कोई भी हैवी गेम को या एप्लीकेशन को आराम से चला सकते हैं और ये फ़ोन किसी भी तरह से लैग और स्टटर नहीं करेगा। वहीं पे जो गैलेक्सी A50 है, इसकी परफॉर्मेंस डे टू डे टास्क के लिए ठीक है, ये लैग नहीं करेगा, स्टटर नहीं करेगा अगर आप WhatsApp, Chrome, प्ले म्यूजिक, गाना या सावन यूज़ करते हैं डे टू डे यूज़ में। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप इस फ़ोन को पुश करेंगे तो थोड़ी बहुत लैग आपको मिलेगी। PUBG ये फ़ोन चला लेता है हाई ग्राफिक सेटिंग में, HDR में भी चलता है, बट बहुत ही लो फ्रेम रेट पे, तो वो पॉइंटलेस है एकदम। इस फ़ोन में आपको जिस तरह का परफॉर्मेंस मिल रहा है इस प्राइस के अंदर, यानी कि 20,000 के अंदर, वो आपको कोई भी दूसरा फ़ोन नहीं दे पाएगा। और पोको F1 को परफॉर्मेंस के मामले में बीट करने के लिए तो मुझे लगता है सिर्फ ये काम एक ही फ़ोन कर पाएगा और वो है पोको F2। सिर्फ परफॉर्मेंस के व्यू पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो पोको F1 क्लियर विनर है। रही बात बैटरी लाइफ की, दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिल रहा है 4000 mAh का बैटरी और दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी लाइफ इनक्रेडिबल है। दोनों ही फ़ोन्स फुल चार्ज करने के बाद आराम से 1 से 1.5 days लास्ट करेंगे एक सिंगल चार्ज पे, आराम से बिना किसी इश्यूज़ के। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिल रहा है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट। यहाँ तक कि सैमसंग तो गैलेक्सी A50 के साथ एक 15W का चार्जर फ़ोन में भी दे रहा है, वहीं पे पोको F1 में आपको मिल रहा है क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट, लेकिन जो QC 3.0 चार्जर है वो आपको अलग से खरीदना होगा। बैटरी लाइफ के मामले में आप दोनों में से किसी भी फ़ोन से डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं कैमरा की, तो इस मामले में ये दोनों ही फ़ोन्स बहुत डिफरेंट हैं। गैलेक्सी A50 में आपको मिल रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप जो इंक्लूड करता है एक 25 MP का प्राइमरी शूटर, एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और एक 5 MP का डेप्थ सेंसर। वहीं पे जो पोको F1 है उसमें आपको मिल रहा है 12 MP का शूटर 1.4 micron लार्ज पिक्सल्स के साथ और इसके साथ है एक डेप्थ सेंसर। कैमरा क्वालिटी में पोको F1 को एक क्लियर एडवांटेज है गैलेक्सी A50 के मुकाबले। पोको F1 की फोटोज जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड आती हैं और इसकी जो डायनामिक रेंज है वो भी ज़्यादा अच्छी है। गैलेक्सी A50 का जो कैमरा है वो लो लाइट में बहुत ब्राइट फोटोज ले लेता है अपने वाइड एपर्चर के कारण, बट ओवरऑल जो है कैमरा क्वालिटी वाइज पोको F1 ज़्यादा अच्छा फोटोज ले सकता है। प्लस यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि पोको F1 में आप एक मॉडेड गूगल कैमरा APK भी यूज़ कर सकते हैं इसकी इमेज क्वालिटी और इम्प्रूव करने के लिए। सेल्फी कैमरा के मामले में भी पोको F1 की सेल्फी ज़्यादा अच्छी आती हैं गैलेक्सी A50 के कंपैरिजन में। इनफैक्ट पोको F1 में आप 4K वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS तक, जबकि गैलेक्सी A50 में आप सिर्फ फुल HD+ रेजोल्यूशन में ही वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जो आखिरी एस्पेक्ट है इन दोनों फ़ोन्स का वो है सॉफ्टवेयर, और इस मामले में भी ये दोनों फ़ोन्स बहुत डिफर करते हैं। वैसे तो दोनों ही फ़ोन्स रन कर रहे हैं एंड्रॉयड 9.0 Pie, लेकिन दोनों में मिल रहा है आपको अलग अलग स्किन। पोको F1 में आपको मिल रहा है एक MIUI 10 जो कि ऑप्टिमाइज्ड है स्पेशली फॉर पोको फोन्स, जबकि गैलेक्सी A50 में आपको मिल रहा है सैमसंग का नया OneUI। रिफाइनमेंट की बात करेंगे और प्योर UI वाइज तो गैलेक्सी A50 की जो OneUI है वो बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि ये यही UI है जो सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स जैसे कि गैलेक्सी S10, गैलेक्सी नोट 9 में दे रहा है। सैमसंग ने इस UI पे बहुत थॉट दिया है और इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है वन हैंड यूज़ के लिए। OneUI में आपको एक डेडिकेटेड नाइट मोड भी मिलता है जो गैलेक्सी A50 के AMOLED डिस्प्ले पे बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं पे जो पोको F1 है इसमें आपको मिल रहा है बहुत सारे फीचर्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो आपको OneUI में नहीं मिलेगा। इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं कि आपको ढूंढते ढूंढते कम से कम 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, और अगर आप पावर यूज़र हैं तो आपको ये सब कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ज़रूर पसंद आएंगे। एक बात है पर पोको F1 में आपको MIUI के साथ साथ मिल रहे हैं एड्स। जी हाँ, Xiaomi पहले इतने एड्स नहीं देता था जितना इस कंपनी ने अभी देना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी A50 में आपको एड्स नहीं दिखेंगे, बीच बीच में सैमसंग भी 1-2 स्पैम नोटिफिकेशंस भेज देता है, लेकिन पोको F1 में जो एड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता तो अच्छी बात है, पड़ता है तो एक ऑप्शन ज़रूर है जिसे आप सारे एड्स डिसेबल कर सकते हैं MIUI में। तो इस वीडियो से आई होप दोस्तों क्लियर है आपको कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, पोको F1 की गैलेक्सी A50। दोनों ही फ़ोन्स बहुत डिफरेंट है और दोनों ही अलग अलग ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं,
अगर आप पावर यूज़र हैं या हैवी गेमर हैं तो पोको F1 ही आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं जिसको कैमरा से मतलब नहीं है, जिसके लिए डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, उसके लिए गैलेक्सी A50 अच्छा है। ये बात मुझे यहाँ पे कहनी होगी कि सैमसंग ने अपनी बजट और मिड रेंज ऑफरिंग्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है 2019 में। पहले 2018 के एंड तक तो सैमसंग के पास ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं था 30,000 में भी जो कि पोको F1 से कंपेयर कर सके, लेकिन अपने नए गैलेक्सी A सीरीज़ ऑफरिंग से सैमसंग ने एक नया पेज टर्न किया है और दिखाया है कि वो भी कम्पीट कर सकता है शाओमी और अदर चाइनीज़ ब्रांड से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसा है तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।